हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपने पिछले वीडियो में मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज़ मैनेजमेंट की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फ़िज़िकल मेथड्स की जिससे कि हम डिज़ीज़ कंट्रोल कर सकते हैं रादर डिजीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं या उसकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं कौन कौन से फ़िजिकल मेथड्स हैं जिससे हम डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं फिजिकल मैथड्स फिजिकल मैथड्स इंक्लूड ये हम बाईस करेंगे एनर्जी ट्रीटमेंट मॉइस्ड हॉट एयर ट्रीटमेंट हॉट एयर ट्रीटमेंट एंड एयर एटेड स्टीम थेरेपी चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल सोलराइजेशन की वो क्या होती है और किस तरह से हम उसको अप्लाई करते हैं सॉइल सरराइजेशन और स्लो सॉइल पॉस्चराइजेशन इज द हाइड्रो ओबलिक थर्मल सॉइल हीटिंग एकम्प्लिश्ड बाय कवरिंग मॉइस्ट सॉइल विथ पॉलीथीन शीट्स 20 टू 25 फाइव मी यूएम एज नीड एज सॉइल मालच ड्यूरिंग समर मंथ्स फॉर फोर टू सिक्स वीक्स दैट मीन्स जब गर्मियों का टाइम होता है या समर वीक्स होते हैं तो जो गीली सॉइल है नम होती है जब सॉइल के अंदर उसको हम क्या करते हैं पॉलीथीन से पॉलिथीन शीट से उसको कवर कर दिया जाता है तो सॉइल सोलराइजेशन वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इजराइल बाय एंड कैटन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट पैथोजेनिक पेस्ट डिजीज एंड वीड्स सॉइल सोलराइजेशन इज जनरली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग सॉइल बॉर्न पैथोजें लाइक पाइथियम वर्टिसिलियम, रेजॉक्टीनियम फ्यूजेरियम एक्सेट्रा इसको हम जो सॉइल सोलराइजेशन है इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं तो प्रॉपर प्लॉगिंग द फील्ड एंड हैवी इरीगेट्स द फील्ड फोर्टी टू फिफ्टी एम तो इसके लिए सबसे पहले तो जो खेत है उसको अच्छे से उसको मतलब उसको प्लॉ कर लिया जाता है या उस पर हल चला लिया जाता है जिससे कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए और फिर हम उसको हैविली इरीगेट कर देते हैं देट मीन्स खूब सारा उसके अंदर फील्ड के अंदर पानी डाल देते हैं फिर क्या करते हैं कवर विद वाइट ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट्स 20 टू 50 माइक्रोन और टेन हंड्रेड टू टू हंड्रेड जेज फॉर फोट फॉर फोर टू सिक्स वीक्स इन द मंथ ऑफ मई एंड जून उसके बाद हम उसको ये जो भी इसका मेजरमेंट दे रखा है उस हिसाब से उस मोटाई की एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को हम पूरे फील्ड में कवर कर देते हैं उससे क्या होता है डोरमेंट स्ट्रक्चर्स जो भी डोरमेंट स्ट्रक्चर्स हैं लाइक ओओ हैं स्क्लेरोशियम हैं क्लेमाइडोस्पोर्स हैं जो भी वो सोइल के अंदर पड़े हुए होते हैं पहले क्रॉप के न्, न्, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं मर जाते हैं और ये किसके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है डैम्पिंग ऑफ डिजीज रूट रॉड विल्ट ऑफ क्रॉप्स गोल्डन निमेटोड्स रूट नॉट निमेटोड्स ऑफ वेजिटेबल्स के लिए ओके चलिए तो पहला आपका था सॉइल जो आपने क्या है सॉइल सोलराइजेशन क्या प्रोसेस होता है अब दूसरा है सॉइल स्टेलाइजेशन अब इसके अंदर हम क्या करते हैं सॉइल स्टेलाइजेशन के अंदर इट कैन बी स्टेलाइज इन ग्रीन हाउसेज एंड समाइम्स इन सीड बेड्स बाई एयर स्टीम और हॉट वाटर स्टेलाइजेशन आपको सबको पता है स्टेलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो सीड बेड्स हैं या जो ग्रीन uh, जो ग्रीन हाउसेस के अंदर हम एयर स्टीम और हॉट वाटर को से उनको स्टेलाइजेशन करते हैं एट अबाउट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस सम ओमाइसिटीज समय अदर वाटर मॉल्स आर किल्ड और जब फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेल्सियस के करीब जब तापमान होता है तो उसमें से निमेटोड्स और कई ओमाइसिटीज फंजाई हैं वो क्या हो जाती हैं किल हो जाती हैं एट अबाउट 60 एंड 72 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजेनिक फंजाइ एंड बैक्टीरिया आर किल्ड एट अबाउट 82 डिग्री सेल्सियस मोस्ट वीड्स Plant pathogenic bacteria and insects are killed. Heat tolerant wheat seeds and some plant viruses such as tme are killed at or near the boiling point, that is 95 to 100 degree Celsius. to hum alag alag temperature dete hain ये देखते हुए कि वहाँ पर क्या requirement है, मतलब वहाँ पर fungi ज़्यादा है, या viruses का infection है, या bacteria का infection है, इस हिसाब से temperature को decide किया जाता है। इसके बाद है हॉट वाटर और हॉट एयर ट्रीटमेंट क्या होता है हॉट वाटर और हॉट एयर ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट द सीड बॉर्न एंड सेट बॉर्न इंफेक्शियस डिजीजेस ओके हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन सीड्स बल्बस एंड नर्सरी स्टॉक्स इज डन टू किल मैनी पैथोजें्स प्रजेंट इन ऑल ऑन द सीड एंड अदर प्रोपागेटिंग मटीरियल्स तो ये जित जो भी सीड्स हैं या सैट्स हैं या जो भी प्रोपागेटिंग मटीरियल्स हैं उनके अंदर जो भी नर्सरी इस्टॉक में रखे हुए हैं जिनसे कि हमें प्लांट ग्रो करने हैं उनमें पैथोजन को किल करने के लिए हॉट वाटर या हॉट एयर ट्रीटमेंट दिया जाता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग सेट बॉर्न डिजीजेज ऑफ शुगर किंग व्हीप स्मर्ट ग्रासी शूट एंड रेड डॉट ऑफ शुगर केन फिफ्टी टू डिग्री सेल्सियस टू थर्टी फॉर थर्टी मिनट्स एंड लूज स्मार्ट ऑफ वीट के लिए फ़िफ्टी टू डिग्री सेल्सियस फॉर टेन मिनट्स तो ये अलग अलग ऐसा नहीं है कि आप एक ही टेम्परेचर और एक ही टाइम मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्रॉप एंड अकॉर्डिंग टू द पैथोजन आपको टाइम और टेम्परेचर वेरी करना पड़ता है और उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है द मेन ड्रॉबैक इज़ द हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज़ दैट द सीड्स में बी किल्ड और लूजेज इट्स जर्मिनेबिलिटी तो इसका सबसे बड़ा कमी क्या है इसकी कि जब आपन हॉट ट्रीटमेंट देते हैं तो जो एम्ब्रियो है सीड्स का वो क्या हो सकता है वो भी डैमेज हो सकता है और जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट फिर नहीं होंगे इफ द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट एक्सिड द स्पेसिफाइड टाइम जो भी आपका तो इसलिए आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि कितने टाइम पर और कितने टेम्परेचर पे आपको ट्रीटमेंट देना है सो दिस मैथड इज रिप्लेस्ड बाई अदर फिजिकल मैथड्स लाइक हॉट एयर एंड एयरेटेड स्टीज ट्रीटमेंट वेयर इन दीज आर एक्सपोज ऑनली टूट हॉट एयर और एयरेटेड स्टीम चलिए अब नेक्स्ट है फिजिकल मैथड्स वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इराडिकेशन ऑफ पैथोजन फिजिकल मैथड्स इंक्लूड डिफरेंट हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट का ही कॉन्टीनशन में है डेस्क्राइब बाई जैनसन एटीन एटी नाइन मैथड्स अभी किस तरह से हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं सीड्स आर डिप फोर आवर्स इन कूल वाटर तो सबसे पहले जितने भी सीड्स होते हैं उनको हम चार घंटे के लिए ठंडे पानी में उनको डिप कर देते हैं देन आफ्टर ट्रीट द सीड्स इन फिफ्टी टू डिग्री सेल्सियस फॉर टेन मिनट्स फिर हम ठंडे पानी से निकाल कर जो भी सीड्स हैं उनको 50 डिग्री 52 डिग्री पर 10 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर ड्राई सीड्स बिफोर सोइंग और फिर उनको सो करने से पहले उनको अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट दीड बॉर्न पैथोजेंस और डॉर्मेंट इन सीड वन डिप इन द सीड इन कूल वाटर द डॉर्मेंट पैथोजन में एक्टिवेटेड एंड किल्स टेम्परेचर डू नॉट इंक्रीज फिफ्टी टू डिग्री सेल्सियस बिकॉज हायर टेम्परेचर किल्स द एम्ब्रियो एंड फाइनली जर्मिनेशन में इफेक्ट सो ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट है को ज़्यादा यूजफुल है क्यों क्योंकि हम टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 52 पे और इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम नहीं देते हैं नहीं रख सकते या नहीं रखते हैं जिससे कि सीड्स की जो जर्मिनेबिलिटी है उस पर कोई इफेक्ट ना हो और सीड आराम से ग्रो हो जाए और ये उन पैथोजेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि सीड बॉर्न पैथोजेंस हैं और वो सीड्स के अंदर डॉमेंट स्टेज के अंदर रहते हैं अब डिजीज है पैथोजन है टेम्परेचर एंड टाइम लूज इसम ऑफ फीट है तो इसमें पैथोजन इससे आपको लर्न भी हो जाएगा कि कौन सी डिजीज से कौन सा पैथोजन से होती है अस्टिलेगोनीडा वेराइटी टिटिसाइड इसमें टेम्परेचर दे रखा है फिफ्टी टू डिग्री से हुआ हम ग्यारह मिनट तक के लिए देते हैं देन डाउनी मिल्डी ऑफ बाजरा के लिए क्या है स्कलरोसपोराग्रामिनिकोरा इसके लिए हम फिफ्टी फाइव डिग्री टेन मिनट्स के लिए देते हैं वाइट टिप ऑफ पैडी है स्टेम एंड बल्ब लिमेटोड्स ऑफ ऑर्नामेंटल सीडलिंग ब्लाइट ऑफ कोकुम्बर तो जस्ट गो थ्रू द लिस्ट जिससे आपको आइडिया हो जाएगा हमें किस प्लांट के

तो वो भी जैसे आपको घर में भी आपके जो दालें कुछ पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं तो हम उनका अच्छे से ड्राई करके फिर रखेंगे या कंटेनर ड्राई होना चाहिए तो इसी तरह से जब हम इन प्रोपोक्यूल्स को भी या इन सीड्स को भी जब हम स्टोर करके रखते हैं तो वो भी हम यदि ट्रीट करके रखें उनको तो फिर उनके अंदर पैथोजन डेवलप नहीं होंगे तो यदि स्वीट पोटैटो है या सीड्स ऑफ बार्ले हैं उनको हम टेम्परेचर और ये टाइम दे रखा है कितने देर तक हमें उनको कितने टेम्परेचर पर एक्सपोज करना है और ये राइजोपस स्पीशीज जो स्वीट पोटैटो में या एरवे स्पीशीज एंथोमोनास स्पीशीज़, एंथोमोनास स्पीशीजेंस वेराटरी ट्रांसलूसेंस तो इन इन डिजीजेस के अगेंस्ट ये काम आता है और वो इस ट्रीटमेंट से हम उन पैथोजन से बच सकते हैं

और इसको आप लर्न कर सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट इज सोलर हीट ट्रीटमेंट लुथरा इन 1953 डिवाइज्ड अ मेथड टू एलिमिनेट द डीप सीटेड इन्फेक्शन ऑफ अस्टिलेगो न्यूडा द मेथड इज पॉपुलरली नोन एज सोलर हीट और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट अब इसके लिए हम क्या करते हैं द सीड्स आर सोक्ड इन कोल्ड वाटर फॉर फोर आवर्स इन द फोर नून ऑन अ ब्राइट समर डे Followed by spreading and drying the seeds in hot sun for 4 hours in the afternoon. Then the seeds are again treated with carboxin or carbendazin uh, at twen, at 2 gram per, kilo, per kilogram and stored. मतलब पहले seeds को ठंडे पानी में रखा जाता है, फिर उनको spread कर दिया जाता है hot sun के अंदर. और फिर उनको वापस से कार्बोक्सिन से ट्रीट किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन के अंदर एंड दिस मेथड इज़ हाईली यूजफुल फॉर ट्रीटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द सीड लॉट्स बहुत सारे आपके पास सीड्स हैं तो ये एक बहुत इजी मेथड है लुथार सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट जिससे कि धूप में इनको सुखाया जाता है सीड्स को ट्रीट करके और बहुत सारे जो पैथोजें्स हैं इनसे हम इस ट्रीटमेंट से उनसे हम बच सकते हैं न मॉइस्ड हॉट एयर ट्रीटमेंट दिस मैथड इज़ इफेक्टिवली यूज इन शुगर केन टू एलिमिनेट ग्रेसी शूड डिजीज ओके तो ये मॉइस्ड हॉट एयर ट्रीटमेंट मेनली हम शुगर केन में यूज कर सकते हैं इसके लिए क्या करते हैं इनिशियली दैट्स जो शुगर केन के सैट्स हैं दे आर एक्सपोज टू हॉट एयर एट फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस फॉर एट आवर्स एंड देन एक्सपोज टू एयर एटेड स्टीम एट फिफ्टी डिग्री फॉर वन आर and finally to moist hot air at 54 degree for 2 hours the procedure is ka treatment उसके बाद कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम जो जो है ना इंटेग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट की हम अलग अलग क्रॉप्स पे कौन सा मेथड ट्राई करें तो इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं लाइक लाइट वेव लेंथ है स्पोरुलेशन इन एरिया पोट्राइटिस एंड स्टेम फिल्म डन इन प्रेजेंट ऑफ 360 सिक्सटी एन एम वेव लेंथ ऑफ लाइट कवर द ग्रीन हाउस विद यू वी एब्जॉर्बिंग विनाइल फिल्म तो ये राइट right, जो लाइट वेव को भी हम वेरी uh, करके उनको उनसे भी हम जो पैथोजन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं देन बाय रेडिएशंस कौन कौन से रेडिएशंस यूज़ कर सकते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या अल्ट्रा फॉर एग्जांपल अल्ट्रा रेज एक्स रेज गामा रेज़ एल्फ़ा एंड बीटा रेज यूज पोस्ट हार्वेस्ट माइक्रो डिजीज मैनेजमेंट इन फ्रूट क्रॉप्स तो ये पोस्ट डिजीज मैनेजमेंट जो अधिकतर कुछ फ्रूट क्रॉप्स हैं उसमें ये काम आते हैं देन रेफ्रिजरेशन से भी हम कर सकते हैं दैट इज़ हाइड्रोकूलिंग मतलब उनको कोल्ड cool, कूल cool, uh, या उनको रेफ्रिजरेट करके देन ड्राइंग सोट ग्रेन्स और सीड्स ट्वेल्व परसेंट बाई हॉट एयर तो ये डाइ इनको ड्राइंग करके भी जो भी ग्रेन्स हैं हॉट एयर में उस तरह से भी हम जो पैथोजन है उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं या पैथोजन को किल कर सकते हैं तो so, ये डिटेल में कुछ फिजिकल मैथड्स थे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज थैंक यू सो मच